गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा कैसे कैसे मांग की गई, इसके बारे में किसने क्या कहा, कैसे कैसे ये बनी और आगे जाके संविधान लिखा, इसका मेन काम जो था वो संविधान लिखना था, तो किस हिसाब से संविधान सभा की मांग हुई। नंबर एक पे आता है मांग, कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई और किसने की। सबसे पहले मांग जो की थी वो तिलक का स्वराज्य विधेयक था। स्वराज्य विधेयक, तिलक का जो स्वराज्य विधेयक था वो 1895 में आया था। सबसे पहले मांग की थी कि भारतीयों के लिए भी ब्रिटिश जो रूल चलता है उसके पैरेलल एक सभा होनी चाहिए, तिलक ने की थी। नंबर दो पे गांधी जी ने की थी, गांधी जी ने, इन्होंने की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। नंबर तीन के अंदर एमएन राय ने की थी, माधवेंद्र नाथ राय, ये कम्युनिस्ट आदमी थे, इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे 1934 में व्यक्तिगत तौर पर मांग की थी। ठीक है, नंबर चार के ऊपर जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने मांग की थी 1938 में, 1900 और कहा था कि वैश्विक मताधिकार होना चाहिए, वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार के आधार पे संविधान सभा का गठन होना चाहिए। नंबर पांच जो आता है वो आपका आता है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, ये आया था आपका 1940 में। नंबर छह पे जो आता है वो आता है आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन के अंदर संविधान सभा की मांग को लगभग लगभग मान लिया गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मान भी गई थी। लेकिन नंबर सात पे जो क्रिप कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। 1946 के अंदर ये आया था 24 मार्च को ये आया और 16 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक, इन्होंने मान लिया गया था कि ये जो वैश्विक मताधिकार है आपका, जो चुनाव का सिस्टम है वो आप कैसे भी अपना सकते हो, लेकिन एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों इस बात को मान गई थी। अब कैबिनेट मिशन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटेन के जो मंत्री हुआ करते थे, जो वहां के पार्लियामेंट के, वो तीन आदमी इसके अंदर आए थे। नंबर एक पे एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है, एक ही क्रिप्स भी आए थे साथ में, स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स भी आए थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, और नंबर तीन पे आए थे पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, ये तीन लोग आए थे और भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी मांग को मान लिया गया था। 24 मार्च को आए, 16 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अपना पहला टॉपिक मांग का हो गया कंप्लीट। नंबर दो पे गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले बोले गए कि इतने मेंबर होने चाहिए, 389 मेंबर बताए गए कि संविधान सभा के अंदर, भारतीय जो संविधान सभा उसके अंदर 389 होने चाहिए। इन 389 के अंदर 93 सदस्य तो दे दिए गए रियासतों को, भारतीय जो रियासतें थी उनको 389 के अंदर 93 सीटें दे दी गई, और जो 296 सीटें बची, 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत की थी। गठन के अंदर 389 सदस्य बताए गए
उसके अंदर 93 रियासतों को दिए गए और 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई। इनमें से 4 सीटें यूटीज को दी गई थी, यूटीज को। उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी जो हुआ करते थे, जिनको मुख्य आयुक्तों के प्रांत बोले जाते थे। क्या बोले जाते थे? मुख्य आयुक्तों के प्रांत, चीफ कमिश्नर स्टेट बोले जाते थे इनको। चीफ कमिश्नर जो होते थे उनके स्टेट होते थे। ये 4 थे। 4 कौन सा था? ए, बी, सी और नंबर 4 पे डी। ए का तो अपना अजमेर था, राजस्थान का एक अजमेर था। बी का बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, ठीक है। और नंबर सी पे कुरग था, कुरग कर्नाटक का था। और डी पे दिल्ली था। ये 4 सीटें इन यूटीज को दी गई थी। आगे जाके क्या होते हैं, ये 389 जो सीटें हैं आजादी की, ये तो आजादी से पहले है। अब आजादी के बाद क्या होता है? आजादी के बाद सीटों का बंटवारा हो जाता है। मुस्लिम लीग के पास कुछ सीटें दे देते हैं, कुछ वो कर देते हैं। तो मुस्लिम लीग को या पाकिस्तान को हमने कितनी? 90 सीटें दे दी, सीटें दे दी हमने मुस्लिम लीग को, दे दी मुस्लिम लीग को 90 सीटें दे दी। तो अपने पास सीटें कितनी बची? 299 सीटें बची थी। इन 299 सीटों को आजादी के बाद में बंटवारा हुआ था। तो 299 जो सीटें थी, उन 299 सीटों को दो जगह बांटा गया। क्या बांटा गया? 70 सीटें तो रियासतों को दी गई, रियासतों को दी गई, और 229 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को दी गई, ब्रिटिश भारत को। ये जो ब्रिटिश भारत वाला एरिया था, इसको ए बोला जाता था, ए क्षेत्र बोला जाता था, मतलब ए प्रांत हुआ करते थे। और ये जो थे रियासतें जो थी वो बी प्रांत की हुआ करती थी। ठीक। अब आगे ये जो था, ये ब्रिटिश भारत को दे दिया, ये रियासतों को दे दिया। नंबर 2 पे अपना गठन देख लिया। नंबर 3 के ऊपर बोला गया कि जो जन प्रतिनिधि होंगे वो लगभग 10 लाख पर, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी या एक प्रतिनिधि होगा, एक प्रतिनिधि होगा। ये बात बोली गई कि चुनाव यदि होगा तो 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सीट होगी, ठीक है। ये उनका क्षेत्र बांट दिया गया। नंबर 4 में अब जो सीट थी, सीटों के अंदर कुछ रिजर्वेशन दिया गया था यहाँ पे कि सीट जो थी वो सीटें जो थी वो अब उन्होंने 3 समुदायों में बांट दी, 3 समुदायों में बांट दी, 3 समुदाय। नंबर 1 पे जो सीटें बांटी वो मुसलमानों को बांट दी, मुस्लिम समुदाय को बांट दी, मुस्लिम समुदाय को बांटती। नंबर 2 पे सिख समुदाय को बांटती। और जो नंबर 3 के ऊपर जो सीटें थी वो मुस्लिम भी नहीं थे और सिख भी नहीं थे, मतलब सामान्य लोग जो बच गए थे उनको 3 नंबर सीटें बांट दी। ये सीटों का अपना बंटवारा हुआ था। अब नंबर 5, 5 के अंदर अपना क्या आता है कि जो चुनाव हुए थे, चुनाव कब हुए थे? चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, 1946 में चुनाव हुए। चुनाव का जो मेथड बताया गया था, पद्धति बताया गया था, जिसपे मुस्लिम लीग और ये जो आपके कांग्रेस थी दोनों सहमत हुई थी। चुनाव के अंदर जो बताया गया था वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताई गई थी, समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व की एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति बताई गई थी। इसमें क्या होता है, जिसे आजकल अपने राज्यसभा के सांसदों का इलेक्शन होता है, उनको विधायक चूज करके इलेक्शन करके उनका भेज देते हैं, सीधे जनता से नहीं होता, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन नहीं हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव या निर्वाचन हुआ, निर्वाचन नहीं हुआ। तो अपनी जो संविधान सभा थी, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आईएएस तक पूछा जाता है पीटी में, जो अपनी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा कैसी थी, वो कुछ लोग उसमें मनोनीत थे और कुछ लोग निर्वाचित थे। अब कौन मनोनीत थे, कौन निर्वाचित थे, ये बात होती है। अपनी जो 229 सीटें हुई थी और 70 सीटें रियासतों को दी थी, जो रियासतें राजा महाराजा क्या करेंगे, वो चुनाव थोड़ी ना करेंगे, वो तो मनोनीत करके भेजेंगे। और ये जो सदस्य थे, ये कुछ में चुनाव थे, कुछ पहले से ही नॉमिनेटेड थे। अपना क्या हो गया, मांग हो गया, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, किस मेथड से हुआ था, वो हो गया। नंबर 3 पे बात आती है इसकी, बैठक काफी इंपॉर्टेंट थी, इनकी बैठक, संविधान सभा की बैठक। हम जानते हैं कि पहली बैठक, जो पहली बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे वो जो अस्थायी थे, अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग आदमी थे, जैसे आज के दिन अपन प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, सबसे पुराने आदमी को बनाते हैं, ये अपनी परंपरा के आधार पर थे। अपन परिवार की भी बागडोर जो देते हैं, वो सबसे बुजुर्ग आदमी, अनुभवी आदमी के हाथ में देते हैं। तो अपने भी इस परंपरा का फॉलो किया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे, बात शनिवार की थी, रविवार की छुट्टी थी, सोमवार को सोच विचार के कुछ नया करना था। इसमें क्या हुआ, 210 सदस्य, 210 सदस्यों ने भाग लिया। कुछ किताबों के अंदर 207 लिखा हुआ है, बट मैंने जो ऑथेंटिक माना है वो 210 सदस्य माने हैं। अब इनके अंदर 9 महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी, 210 सदस्य थे, 9 महिलाएं थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जो फ्रांस से लिया है अपन ने प्रोटेम स्पीकर, सबसे पुराने आदमी को बागडोर देना। ये पहली बैठक हो गई। दूसरी बैठक इसके 2 दिन बाद में हो गई थी, 11 दिसंबर को 1946 को। इनमें क्या किया गया कि अध्यक्ष किनको बनाया गया, अध्यक्ष अपने डॉक्टर साहब राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब इनमें क्या हुआ, बात संडे जब निकल गया तो सोमवार को सोच विचार करके काफी लोगों ने बातें की, तो उपाध्यक्ष, ये जो उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये HC मुखर्जी को बनाया गया था, हरिश्चंद्र मुखर्जी को बनाया गया था। अब इसी के अंदर अपने को एक संवैधानिक सलाहकार भी चाहिए था, संवैधानिक सलाहकार ये बनाया था, बी एन राव भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बी एन राव कर्नाटका से थे, आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस, जो पहले आईएएस से पहले नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के जज थे, जो आजकल नीदरलैंड हेंग में है, उस टाइम पे भी नीदरलैंड हेंग में था अंतरराष्ट्रीय। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे, बस वकील थे, जज थे, तो इनसे राय लिया करते थे और ये
एडवाइजर थे अपने, केवल राय लेते थे इनसे, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में बैठते थे। तो बाद में 60 देशों का जो संविधान लाके दिया है उसमें पढ़ के काफी सपोर्ट रहा है इनका, डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ। अब आती है अंतिम बैठक। इसकी अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक आप टॉपिक डालो कै, खै और गै, आप पूरे नोट से यहीं से कवर कर सकते हो पूरा A to Z। कोई नई किताबें इतना वो ज्यादा आप मैच कर सकते हो कहीं पे भी, तो और पूरा टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा आपका। अंतिम बैठक, अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, जो अपना संविधान, जो गणतंत्र बना था अपना, जो संविधान लिया गया था 26 जनवरी को, उससे पहले 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अब इस अंतिम बैठक में क्या हुआ था? राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, बैठक, अंतिम बैठक जो थी अपने देखी थी 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले हुई थी, जो संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले हुई थी। इस अंतिम बैठक में क्या हुआ था? अपने 3 चीजें ली थी, एक तो राष्ट्रपति का पद लिया था, एक राष्ट्रगान लिया था और एक राष्ट्र गीत लिया था। ये 3 चीजें याद करने में बहुत इजी रहेगा, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति और राष्ट्र गीत, अपन 24 जनवरी। अब इसमें क्या हुआ, टोटल बैठक कितनी हुई? संविधान सभा की जो टोटल बैठक जो हुई थी, वो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो टोटल 114 बैठक हुई थी, और जो 70 हुए थे, जैसे आजकल अपने 3 सत्र होते हैं साल में, ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, 70 कई किताबों में 11 लिखा हुआ है, और आपको नेट पे सर्च करोगे तो 12 लिखा हुआ है। मैंने ऑथेंटिक किताब में देखा तो वहां पे भी मुझे 11 मिला। ये किस टाइप से मिला? 4 तो आजादी से पहले हो गए और 7 जो 70 थे वो आजादी के बाद हो गए। ठीक है, अब बैठके हो गई अपनी, बैठकों के बाद में बात आती है बंटवारा। एक चीज और ध्यान रखना, बंटवारा, भारत जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 3 जून 1947 की लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, योजना से हुआ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना थी उसके तहत अपना 3 जून 1947 को बंटवारा हो गया। अब क्या आता है अपनी, ये जो संविधान था, संविधान सभा का महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का निर्माण करना, जनता के लिए संविधान का निर्माण करना और अंतिम शक्ति जनता को देना, क्योंकि हमने ब्रिटिश रूल भी देख लिया था, राजा महाराजाओं के रूल भी देख लिए थे, तो डेमोक्रेसी अपनाना जरूरी था। बैठक, बैठक के बाद आती हैं समितियां। समितियां, समितियां सभी को अलग अलग काम दिए गए कि फलाना आदमी वो काम करेगा, दिखता आदमी वो करेगा, ताकि सब पे बोझ ना रहे और जल्दी से जल्दी काम हो जाए। समितियों में बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी, बड़ी समिति थी, कुछ छोटी थी, छोटी थी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए एक्चुअली समितियां तो लगभग 35 से ऊपर थी, लेकिन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो करीबन 5 समितियों के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 5 समितियों के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर। नंबर 1 के ऊपर संघ शक्ति समिति, नंबर 1 पे है संघ शक्ति समिति। संघ की शक्ति उस टाइम पे पीएम किसको बना दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। संघ शक्ति समिति जो है वो उसके अंदर अपन ने पीएम बनाया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। एक थी संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति थी,
संघ शक्ति समिति थी और संघीय संविधान समिति थी, तो इनके भी अध्यक्ष कौन थे? जे एलन थे। इनके भी अध्यक्ष जे एलन थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, और राज्यों के लिए एक समझौता समिति और बनाई गई थी। दो तीन, राज्यों के लिए समझौता समिति, राज्यों के लिए समझौता समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाए गए थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समझौता समिति। अब नंबर चार पे जो बात आती है कि हाँ, अगली जो समितियां थी उनके अध्यक्ष किनको बनाए गए, अब इसके अंदर आती है मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति। एक आती है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। इसमें क्या है, जब मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति दोनों कंबाइंड तौर पे काम करेगी तब इनके अध्यक्ष कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एक जगह बैठ के काम कर रही है तो उसके अध्यक्ष पटेल साहब हो जाएंगे। लेकिन यदि अकेली मौलिक अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति जो काम कर रही है तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति के इनके हो जाएंगे एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष थे दूसरी बैठक के, बाद में परमानेंट ये चली थी जो काफी दिन तक उपाध्यक्ष रहे थे, जेबी कृपलानी। यदि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति एक साथ पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे। और यदि जेबी कर्पल, यदि मौलिक अधिकार अकेला पूछा जाता है, क्योंकि इसकी दो उपसमितियां होती थी, नंबर एक मौलिक अधिकार उपसमिति और नंबर दो अल्पसंख्यक उपसमिति। अल्प मौलिक अधिकार उपसमिति का जेबी कर्पलानी थे और अल्पसंख्यक उपसमिति के हरिश्चंद्र एचसी मुखर्जी थे। ठीक है, अब आगे बात आती है प्रांतीय संविधान समिति। ये राज्यों के लिए है और ये है प्रांतीय, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। ये बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये तो आप जानते हो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे, इसी के अध्यक्ष भी पटेल थे। और प्रांतीय संविधान जो समिति है उसके अध्यक्ष भी पटेल थे। एक राष्ट्र ध्वज समिति और थी, राष्ट्र ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन झंडा समिति जो थी, झंडा समिति, उसके जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। ध्यान में हो जाएगा कि राष्ट्र ध्वज जो समिति बनी थी, राष्ट्र ध्वज समिति जो बनी थी उसके पटेल को बनाया गया था और झंडा समिति जेबी कृपलानी महोदय को बनाया गया था। अब आगे जो एक सदन समिति और थी, इनमें ज्यादा ध्यान रखने की बात नहीं है, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक कभी कभी तोड़ के पूछ लिया जाता है, कभी कभी जोड़ के पूछ लिया जाता है, तो इनकी इसकी दो उपसमितियां थी। यदि इकट्ठी की बात आती है तो पटेल साहब थे और यदि तोड़ के बात आती है तो जेबी कृपलानी और मुखर्जी थे। प्रांतीय संविधान समिति और राष्ट्र ध्वज समिति ये पटेल की थी, तीन समितियों के अध्यक्ष पटेल थे, तीन समितियों के अध्यक्ष जे एल एन थे, झंडा समिति जेबी कृपलानी थी। याद करने में बहुत इजी रहेगा। एक और समिति थी जिसको बोलते थे सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति, सदन समिति जो थी, सदन की जो कार्रवाई होती थी उसकी समिति थी। तो सदन समिति जो थी, सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो पटाभी सीतारमैया थे, पटाभी सीतारमैया। ये गांधीवादी नेता थे, इनकी मूर्ति जयपुर में लगी हुई है ध्यान रखना। और ये 1948 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, और वो कहाँ हुआ था? आपने जयपुर में हुआ था,
1948 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था जयपुर के अंदर, उसकी अध्यक्षता की थी, गांधीवादी नेता थे। आरएस में भी ये पूछा जाता है, कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, और छोटे एग्जाम आरपीएससी बहुत चाह के इस क्वेश्चन को रिपीट करती है। इसके अलावा एक और समिति आती है, वो आती है संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति, संबंधी संविधान सभा में जो कार्य होता था उससे संबंधित एक समिति होती थी, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे वो अपने पहले स्पीकर थे। जब संविधान सभा, यदि संविधान सभा के नाम से कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष बनते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब वो संसद का कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष बनते थे जीवी मावलंकर। अब आपने देखा समितियां, समितियों में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी बार पूछे जाते हैं। इसका गठन कब हुआ? इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। आजादी के 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया था लॉर्ड माउंटबेटन योजना से, और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था, उसके 14 दिन बाद में इसका गठन। इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य थे। पहला सदस्य कौन था प्रारूप समिति का? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे इसके अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एक थे, कौन कौन थे? अंबेडकर, अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3 पे थे अलादी कृष्ण अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर, अलादी कृष्ण अय्यर। नंबर 4 पे थे वो डॉक्टर के एम मुंशी थे, मुंशी कौन थे? मुंशी। नंबर 4 थे के एम मुंशी, और जो नंबर 5 पे थे वो थे बी एल मित्तर, नंबर 5 बी एल मित्तर। इनका क्या हुआ था? स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो ये क्या किया? त्याग पत्र दिया, त्याग त्याग पत्र दिया था। जो बी एल मित्तर थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और त्याग पत्र दिया था, और ये अपनी जगह एन माघव राव को लेके आए थे। त्याग पत्र के बाद कौन आया था? एन माघव राव। तो याद करने का सबसे है, मित्र की जगह कौन आ गए? माघव आ गए, एम हो गया, एम हो गया, माघव की जगह मित्र आए थे, ठीक है, मुंशी मित्र। अब नंबर 6 पे साधोपा थे, साधोपा, साधोपा का पूरा जो नाम था वो सैयद मोहम्मद साधोपा, सैयद मोहम्मद साधोपा, ठीक है। अब ये जो थे तो सैयद मोहम्मद साधोपा थे, याद करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि सैयद मोहम्मद साधोपा थे। अब नंबर 7 पे जो थे वो टीटी कृष्ण माचरी थे, टीटी कृष्णा माचरी भी बोलते हैं, कृष्ण माचरी बोलते हैं, तो टीटी कृष्णा माचरी थे। अब ये किनकी जगह आए थे? इनकी इनकी जगह पहले कौन थे? डीपी खेतान थे, डीपी खेतान,
अब क्या हुआ, डीपी खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और उनकी जगह आए थे टीटी कृष्णा माचरी। टीटी कृष्णा माचरी याद करने का बहुत बेसिक तरीका है। अंबेडकर थे, अयंगर थे, अय्यर थे, मुंशी थे, मित्तर थे, मोहम्मद साहब थे, और के जो आपका डीपी खेतान थे। तो बहुत इजी तरीके से सातों सदस्य याद हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, समितियां देख ली अपने। अब सरकारें बनी थी, सरकारें में ध्यान रखने की बात यह है कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग लिया था, वो आजादी के पहले की बात है, क्योंकि संविधान सभा का गठन जो था वो आजादी से पहले हो गया था। सरकारें जो थी तो उसके अंदर एक तो आती है अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार, और नंबर दूसरी आती है स्वतंत्र भारत की सरकार, स्वतंत्र भारत की सरकार। अंतरिम जो सरकार हुई थी वो सितंबर अक्टूबर 1946 में बनी थी, और स्वतंत्र भारत की सरकार 15 अगस्त 1947 के बाद बनी थी। ठीक है, अंतरिम सरकार और स्वतंत्र, कुछ लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, ये एक नहीं है, ये आजादी से पहले की सरकार थी, उस टाइम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग साथ था, ये अलग होने की सरकार है जो अपनी बाद में बनी थी। अब अंतरिम सरकार के अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर 14-14 मंत्री थे। लिस्ट जो दी गई है बुकों में या साइट पे, वो 14-14 मंत्रियों की लिस्ट दी गई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू का आता है, JLN का आता है। JLN जो था वो जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद होती थी, कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर की कार्यकारिणी जो परिषद होती थी है ना, उस कार्यकारिणी परिषद के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन होंगे, गवर्नर होंगे, उस टाइम पर लॉर्ड माउंटबेटन थे, फिर इनके पास राष्ट्रमंडल का भी था और विदेशी मामले भी थे, ये तीनों चीजें अपने को पहले दे दी थी। जवाहरलाल नेहरू थे वो कार्यकारिणी परिषद के थे, उपाध्यक्ष भी थे, राष्ट्रमंडल। फिर क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हो गया, आजादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अपने प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बने, और ये जो राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले हैं ये दोनों इनके पास ज्यों के त्यों रहे, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, विदेशी मामले। ठीक है, अब एक नंबर के तो हो गए जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब दो नंबर पे, दो नंबर पे उस टाइम पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह मंत्री थे, सरदार पटेल, पटेल क्या थे, गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो क्या थे, गृह मंत्री, गृह मंत्री थे। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, जो जोगेंद्र नाथ मंडल ये विधि मंत्री थे, विधि मंत्री थे। अब जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री आजादी से पहले थे, बाद में अंबेडकर साहब बन गए, अंबेडकर बाद में, अंबेडकर जी क्या हो गए, अपने विधि मंत्री बन गए थे बाद में। अब नंबर चार पे, चार पे श्रम मंत्री आता है, पहले कौन थे, जगजीवन राम, ये ही बाद में रहे थे, जगजीवन, जगजीवन, जग का जीवन, जीवन उसी का साकार है जो मेहनत करेगा, या जगजीवन होगा। तो जगजीवन जो थे वो क्या थे, अपने श्रम मंत्री थे। ठीक है, ये आगे जाके भी आजाद भारत में भी यूं के यूं रहे। ठीक है, अब नंबर पांच पे, नंबर चार पे जगजीवन राम, अब सरदार बलदेव सिंह थे, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव मतलब बहुत ज्यादा बल था उनमें, ताकत हुआ करती थी, ताकत के लिए क्या, ताकत क्या करती थी, रक्षा करती थी। ठीक है, तो ये क्या रहे थे, बाद में भी रक्षा मंत्री रहे और पहले भी सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। आसिफ अली जो थे, आसिफ अली, आसिफ अली,
आसिफ अली रहे थे रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री, इनके पास रेलवे का डिपार्टमेंट था। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे जैसे अपना जो देश संविधान हुआ उसके बाद जो मंत्रिमंडल बैठा बना था, 14 मंत्री उसके अंदर बने थे, उसके अंदर जो आसिफ अली की जगह किसको बना लिया गया था, जॉन मथाई को बना दिया गया था, जॉन मथाई को बना लिया था, जॉन मथाई महोदय को बना लिया था। अब ज्यादातर ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष मैंने बताया आपको किस टाइप से रहे, अध्यक्ष रहे, कौन थे उस टाइम पे, गवर्नर हुआ करते थे तो उस टाइम पे उपाध्यक्ष, क्योंकि आजादी के पहले की बात है, सरदार वल्लभ भाई, इसका नाम होगा अंतरिम सरकार पूछा जाएगा, और ये स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे, बाद में अंबेडकर साहब हो गए, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री रहे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री रहे, आसिफ अली रेलवे मंत्री थे, और आसिफ अली रेलवे मंत्री थे जो आजादी के बाद जॉन मथाई अपने रेलवे मंत्री हो गए। राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी देखना चाहें तो राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, जो राजगोपालाचारी थे वो पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, बाद में जाके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद हो गए थे आजादी के बाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो गए, उससे पहले सी राजगोपालाचारी अपने जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। अब ये जो चीजें थी ये इसके अंदर लगभग लगभग यही पूछा जाता है। ठीक है, अपन ने क्या देख ली, सरकारें देख ली, सरकारें अंतरिम सरकार भी देख ली और आजादी के बाद की सरकारें भी देख ली। अब क्या होता है, इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या थी, संविधान सभा, संविधान सभा की पहली बात तो ये थी कि गांधी जी, और जिन्ना वकील साहब थे दोनों, गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, कौन कौन नहीं थे, गांधी जी और जीना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू, जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू, ये क्या नहीं थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था संविधान सभा से, त्याग पत्र दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू जो थे इन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था, गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, और अपनी बचती है हैदराबाद रियासत, इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, आधुनिक मनु किसको बोला जाता है, आधुनिक मनु डॉक्टर अंबेडकर साहब को बोला जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जी को बोला जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी का रिट में एक टॉपिक है कि उनकी भूमिका, और सेकंड ग्रेड के अंदर भी टॉपिक है नॉर्मली, तो डॉक्टर अंबेडकर जी क्या हुआ था कि इनको आधुनिक मनु बोला जाता है, इनके बारे में बी एन राव जो अपने संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर साहब जो हैं वो संविधान के जनक ही नहीं जननी भी है, जनक ही नहीं अपितु जननी भी है, ठीक है, इन्होंने 60 देशों का संविधान देखा पढ़ा, उसके बाद अपनी जो प्रारूप समिति थी उनकी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी, और काफी बखूबी अच्छे तरीके से दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा संविधान लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया, संविधान के जनक ही नहीं अपितु जननी भी थे। किसने कहा था, बी एन राव ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर साहब।
क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब जब 1946 में चुनने के लिए गए थे, इलेक्शन के लिए गए थे, ये सबसे पहले गए थे बंबई, बंबई बंबई में जाके ये हार गए, बंबई में हार गए इलेक्शन से, क्योंकि वहां पे कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया नहीं था और वहां मुस्लिम लीग थी नहीं, तो ये हार गए। उसके बाद ये बंगाल से खड़े होते हैं, बंगाल से इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, बंगाल से इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं तो कांग्रेस साथ नहीं देता इनके, कांग्रेस नेगेटिव रहती है, लेकिन मुस्लिम लीग के सपोर्ट से ये जीत जाते हैं, जीत जाते हैं। फिर बंटवारा हो गया, बंटवारा हो गया तो बंगाल जो था वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया। उसके बाद यहां से ये क्या करते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा दे के वापस ये बंबई जाते हैं, बंबई, बंबई से ये इलेक्शन जीत के आते हैं। ये जो है ये इनकी योगदान, इसका जो वो है सीटें कहाँ कहाँ से ये जीती और कहाँ से ये हारी, ये चीजें इनके अंदर दी गई हैं। ये तीन बातें हो गई, गांधी जी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर, इस पर त्याग पत्र दे दिया था, हैदराबाद रियासत जो थी उसमें भाग नहीं लिया था, और अम्बेडकर साहब भी, बी एन राव थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी सदस्य नहीं थे, ये तो आपको पता ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश थे जो नीदरलैंड हेंग के अंदर है। बाकी ठीक, अब आती है बात वाचन, संविधान सभा के तीन वाचन हुए थे, तीन वाचन बहुत इजी तरीके से हैं, चार का हुआ था, फिर दस का हुआ था, फिर चौदह, चार, दस और चौदह नवंबर 1946 को तीन वाचन हुए थे, नवंबर 1946 को तीन वाचन हुए थे संविधान के, ठीक है। इसके बाद जो अपन देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि अपन पास 299 सदस्य थे टोटल संविधान इनका, जो संविधान सभा का जो, इसके बाद अपन डायरेक्ट देख लेते हैं इसके कार्य, संविधान सभा के कार्य। तो कार्य में क्या किया इन्होंने, कार्य के अंदर पहला कार्य क्या था, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, निर्माण करना। अब संविधान का जो निर्माण किया उसमें पहली बैठक आपने देखी थी संविधान सभा की, जो थी वो 9 दिसंबर थी 1946 से चालू हुई थी, और जो इसकी अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। तो समय कितना लगा इसमें, समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो सब ने रट रखा है, क्योंकि नॉर्मली ये हमेशा अपनी स्कूली एजुकेशन में भी पढ़ते हैं, समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। खर्चा कितना आया था, खर्चा उस जमाने में लगभग 64 लाख आया था। कितने लोगों ने संविधान के ऊपर अंतिम प्रारूप पे सिग्नेचर किया था, अंतिम साइन, अंतिम हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था, 284 लोगों ने किया था। अपन ने देखा है कि 299 टोटल सीटें आई थी इंडिया के पास, उसमें 284 लोगों ने, क्योंकि लगभग 15 आदमी उस टाइम पे उम्र दराज थे तो कुछ गुजर गए, कुछ एक दो एब्सेंट रह गए, उनमें 11 महिलाएं थी। अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा उनमें टोटल महिलाएं कितनी थी, 15। संविधान सभा में कुल महिलाएं, कुल महिलाएं अपन देखते हैं कि संविधान सभा के अंदर सुचेता कृपलानी वगैरह कितनी जो थी, जो भी थी टोटल महिलाएं वो कितनी थी, 15 महिलाएं थी। उनमें एक महिला मुस्लिम थी, मुस्लिम महिला जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है। अब दक्षिणी वेलायुगम, दक्षिणी, दक्षिणी वेलायुगम, दक्षिणी जो वेलायुगम जो थी वो एकमात्र दलित महिला थी, दलित महिला, एकमात्र दलित महिला कौन थी, दक्षिणी वेलायुगम। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कुल 15 महिलाएं थी, अंतिम सिग्नेचर जो किया था वो 11 महिलाओं ने इसके ऊपर सिग्नेचर अपने संविधान के ऊपर किया था, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आती हैं वो कार्य,
इसका हो गया संविधान का निर्माण, अब पहला संविधान का निर्माण हो गया। दूसरा है राष्ट्रध्वज लेना, राष्ट्रध्वज लेना अपनाना। राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, राष्ट्रध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज जो अपनाया गया था अपना 22 जुलाई 1947 को। इसके जो पिंगली वेकैया, पिंगली वेकैया, वेकैया, पिंगली वेकैया ने क्या किया था, इसको डिजाइन किया था। डिजाइन किया तो क्या हुआ, 2009 के अंदर इनकी एक डाक टिकट चली थी, डाक टिकट चली थी पिंगली वेकैया की, क्योंकि अपना राष्ट्र ध्वज जो था वो अपनाया गया था। नंबर तीन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया। नंबर चार, संसद बनी, जो सॉरी संसद तो नहीं, वो तो बाद की बात है। संसद, भारत जो था वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। और जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को क्या हुआ, अपना देश आजाद हो गया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को तीन चीजें देखी हमने, ध्यान है आपको, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्र, राष्ट्रीय गायन। ये तीन चीजें जो अपने ली थी वो इसी संविधान सभा ने इसको ली थी, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्र गायन, ठीक है, अपने देख लिए इसके कार्य देख लिए। अब कार्य देखने के बाद अपना जो क्या है कि अपना जो संविधान था वो 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, पहली बार पढ़ा गया, पढ़ा गया। और ये पढ़ा किसने था, मनु साहब ने था, अंबेडकर ने था, भीमराव अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर जी ने इसको 4 नवंबर 1948 को जो था वो अपना भारतीय संविधान जो था उसको पहली बार पढ़ा गया। अब बात आती है 26 नवंबर की, 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया। और अब की बात आती है, क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 था उसमें अपना मूल संविधान तो अंग्रेजी में लिखा गया था, उसकी यदि लिपि पूछी जाए तो रोमन लिपि है, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे, और वर्तमान समय में लगभग 465 अनुच्छेद हो गए। उस टाइम पे 8 अनुसूची थी, जो अपने कल देखा था कि 8 अनुसूची थी, और अब वर्तमान में कितनी अनुसूची होगी, 12 अनुसूची होगी। भाग उस टाइम पे 22 भाग थे, 22 भाग में क्या हुआ, सातवें नंबर का जो भाग था उसको खत्म कर दिया गया, और वर्तमान में भाग जो था वो रोमन में था, तो अपन रोमन लिपि में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 22 भाग था, और वर्तमान समय में 25 भाग हो गए। 25 भाग में क्या जुड़ा, 4 कै जोड़ दिया गया, 9 कै जोड़ दिया गया, 9 खै जोड़ दिया गया, 9 खै जोड़ दिया गया, और 14 कै, ये 4 भाग नए जोड़े गए, ठीक है। तो अब कितने भाग हो गए, टोटल 25 भाग हो गए, पहले कितने भाग थे अपने पास, 22 भाग थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो अपने पास आता है तो वो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा से पहले भारत में कौन सी समिति थी या कौन सी ऐसी सभा थी जो संविधान सभा का कार्य करती थी, उसका नाम था इंपीरियल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं सॉरी काउंसिल था, असेंबली नहीं थी वो, उस टाइम पे काउंसिल चलता था,
कौन सी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो जो थी वो संविधान सभा से पहले काम करती थी, फिर क्या काम किया संविधान सभा ने, संविधान सभा बनी और उसके बाद अपनी संसद बनी। संसद जो थी वो 1952 में अस्तित्व में, 1952 में क्योंकि प्रथम चुनाव हो गए थे, प्रथम चुनाव जुलाई 1952 में हुए थे, मई जून जुलाई तीनों में चले थे, तो 1952 के अंदर चुनाव हो गए और अपनी संसद अस्तित्व में। पूछा जाता है कि संसद का रूप संविधान सभा क्या, संविधान सभा के रूप में उससे पहले क्या कार्य करती थी, तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और ये करती थी 1861 से 1947 तक कार्य किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। एक आपने देखा था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे तो उनके लिए कोलकाता जीत के आए थे वो बंगाल से, फिर बंगाल का विभाजन होने के बाद बम्बई गए थे और बम्बई जाने के बाद उनके लिए जो सीट खाली की थी वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो थे एम आर जेंकर। एम आर जेंकर जो थे इन्होंने अंबेडकर साहब के लिए बम्बई में सीट खाली की थी और वहां से अंबेडकर साहब जीत के संविधान सभा के अंदर आए थे। अब उस टाइम पे एक चीजें और देखते हैं, एक चीजें और देखते हैं कि उस टाइम पे एससी शेड्यूल कास्ट जिनको बोल जाता है जनजाति, जनजाति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, एक होता है शेड्यूल ट्राइब जिनको बोला, वो सॉरी इसको बोला जाता है अनुसूचित जाति और ट्राइब को बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है अनुसूचित जनजाति। अब उस टाइम पे जो संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधित्व था तो उस टाइम पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुछ सदस्य थे उनके बारे के अंदर पूछ लिया जाता है। तो एससी के अंदर 26 सदस्य थे उस टाइम पे, संविधान सभा के अंदर 26 थे और इसमें 33 सदस्य थे, एसटी के अंदर 33 सदस्य थे और एससी के अंदर 26 सदस्य थे। वर्तमान समय में यदि अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर जो एससी और एसटी दोनों के मिला के कुल 131 सदस्य लिए गए हैं। एससी और एसटी वर्तमान समय में लोकसभा के अंदर कुल 131 सदस्य लिए गए हैं, जिनमें 84 सदस्य तो लिए गए हैं एससी से और 47 जो सदस्य हैं वो लिए गए हैं अनुसूचित जनजाति से। ये थोड़ा सा आज वर्तमान समय में बहुत बार पूछा जाता है कि एससी की सीटें इतनी रिजर्व है, एसटी की सीटें इतनी रिजर्व हैं, 131 सीटें वर्तमान समय में दोनों की रिजर्व हैं। उस टाइम पे जो संविधान सभा बनी थी उसमें 26 सदस्य एससी के लिए गए थे और 33 सदस्य जो थे एसटी के लिए गए थे। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, ठीक है। अपने को पता है 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान लगाया था, 26 नवंबर 1949 को, उसके अंदर कुछ नागरिकता, कुछ हद तक उसको लागू कर दिया था, नागरिकता ले लिया गया था, चुनाव ले लिया था, कुछ और जो उस टाइम पे जरूरत थी संसद बनने से पहले वो सारी चीजें हमने ले ली थी। बाकी जो मूल संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये 26 जनवरी 1950 आपको बताइए लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, 1930 26 जनवरी 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, उस दिन से हमने स्वाधीनता दिवस जो था वो अपना मनाना शुरू कर दिया था, उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया। तो इसमें कोई नया नहीं है। अब बात आती है मेन चीजें, आलोचना। आलोचना यदि आप यूपीएससी मेंस में लिखोगे या आरपीएससी मेंस के अंदर लिखोगे या कोई और पीटी एग्जाम या कोई भी चीज आएगी तो इससे छूटेगा नहीं। आरओ के अंदर स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है संविधान सभा, सेकंड ग्रेड के अंदर घुमा के बात दे रखी है कि संविधान निर्माण हुआ था उसके बारे में बताना है, तो उसके अंदर भी मेन चीज यही होगी संविधान सभा में भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो मेरे ख्याल से बाहर नहीं जाने चाहिए और गलत भी नहीं होने चाहिए। आलोचना, आलोचना के अंदर काफी लोगों ने, एक तो जयप्रकाश नारायण थे, जो इस्तीफा भी दे दिया था, इस्तीफा दे दिया तो दुखी होके दिया था, परेशान होके, तो मे भी वो जरूर आलोचना करेंगे।
जयप्रकाश नारायण ने जो आलोचना की थी है ना, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये प्रतिनिधि सभा नहीं है, ये है प्रतिनिधि सभा नहीं है। ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने, जेपीएन ने कहा था, इनको शॉर्ट बोला जाता है जेपीएन। ये कहा था कि ये प्रतिनिधि चुनी हुई तो नहीं है। तो कुछ हमने देखा था कि आंशिक रूप से चुने हुए थे, चुने हुए भी वो थे जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली थी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, उसी से चुने हुए थे, डायरेक्ट जनता से तो कोई चुना हुआ नहीं था, बात इनकी भी सही थी। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये प्रतिनिधि संस्था नहीं है। नंबर दो बात इसमें कहा, विनस्टन चर्चिल ने कहा कि इसमें संप्रभुता का अभाव है, संप्रभुता का अभाव, इसमें संप्रभुता का अभाव है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये तो ब्रिटिश लोग थे उस टाइम पे, तो इनका तो बोलना ही था कि ये संप्रभुता का अभाव और भारत जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सभी लोग बोल रहे थे। लेकिन आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राष्ट्र उभर के उतरा है, और बहुत बड़ी बात तो ये है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंदर बिना भारत के पत्ता नहीं हिलता। नंबर तीन बात आती है, इसको बताया गया है कि वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग। एक्चुअली क्या हुआ कि सारे ही जो लिखने वाले थे सभी के सभी लॉयर थे, गांधी जी जिन्ना ये तो बाहर रहे थे, इसके अलावा जो और भी लोग जो थे उन्होंने जिन्होंने लिखा तो वो वकीलों का स्वर्ग बताया, ये बताया गया था जेनिंग्स ने। जेनिंग्स महोदय ने बताया था कि भारतीय जो संविधान सभा थी, ये बात आती है संविधान सभा की, कुछ संविधान के बारे में भी ऐसी की ऐसी बातें बोल देते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि सभा नहीं, वकीलों का स्वर्ग देख लिया। नंबर चार है समय की बर्बादी, समय की बर्बादी, समय की बर्बादी के लिए भी काफी लोगों ने बोला है, कहा कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मात्र 4 माह में कंप्लीट हो गया, तो हमारा इतना क्यों होना चाहिए, क्योंकि बड़ा है आपको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। नंबर पांच के अंदर कहा गया है कि ये कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस का प्रभुत्व है, कांग्रेस का प्रभुत्व बताया गया है इसको। कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो बताया गया है ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया है, किसने बताया है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या बताया गया है कि ये कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व है, बाकी तो इसके अंदर कोई और है ही नहीं। हिंदुओं का प्रभुत्व है, कांग्रेस का प्रभुत्व बताया है और हिंदुओं का प्रभुत्व है, हिंदुओं का प्रभुत्व है। एक्चुअली हिंदुओं का जो प्रभुत्व है कि इसमें सारे लोग जो थे बनाने वाले थे संविधान सभा जो थी, वो जो संविधान सभा थी उसके अंदर हिंदू ही थे, बाकी अदर समाज के लोग नहीं थे, ये बताया है लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड विस्काउंट ने, लॉर्ड विस्काउंट ने क्या बताया है कि ये हिंदुओं का प्रभुत्व है। ठीक है दोस्तों, इसमें सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई A to Z।